ओके सो वी आर लाइव नाउ। वी आर टेलिंग योर फॉलोअर्स दैट यू आर स्टार्टेड अ लाइव वीडियो। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए बढ़िया, बच्चे आने लगे हैं। ओके ओके ओके, एक बार बता दो ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है, फिर हम लोग बातचीत जो है वो शुरू करें आज की। सभी बच्चे लाइव आने लगे हैं, जुड़ने लगे हैं, जुड़ जाइए। आधा एक मिनट लेते हैं, पहली बार इंस्टाग्राम पे लाइव आए हैं तो आइडिया नहीं है किस प्रकार का क्या रहता है, बट सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि आपको अब इस तरह के स्पेशल लाइव क्लासेस जो हैं वो मिलेंगी यहाँ पर भी, जहाँ पे हम लोग किसी न किसी मुद्दे पर बात कर रहे होंगे। और आज का जो टॉपिक रखा है इन लोगों ने, जो डिसाइड करके मुझे दिया है, आप लोगों के कमेंट्स के सजेशन के बेस पर ही हमारी टीम मुझे बताती है कि आप किस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा बात करना पसंद करते हैं, तो पढ़ाई का टाइम टेबल क्या रहे, पढ़ाई किस प्रकार से करें, ये वो टॉपिक है जो जनरली सभी बच्चों को इसमें समस्या आती है और इसी के बारे में बात करने की गुजारिश रहती है। ठीक है, तो फटाफट फटाफट आपके कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना शुरू करते हैं। सभी का स्वागत है इस लाइव स्ट्रीम में। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आप इस बात को ध्यान रखें कि जब भी आप अपनी कोई भी स्टडी करने के बारे में प्लान कर रहे हो या अपनी पढ़ाई को प्लान कर रहे हो, तो उसको प्लान करते वक्त सबसे पहले मुद्दे की बात से शुरुआत कर रहा हूँ मैं बिना टाइम वेस्ट किए, कि जब भी आप अपनी पढ़ाई को, अपने किसी कोर्स को, अपने किसी एग्जाम को प्लान कर रहे हो, तो सबसे पहले इस चीज़ के बारे में विचार करना चाहिए कि यार मैं जो भी प्लानिंग कर रहा हूँ उस प्लानिंग के लिए मैं कितना तैयार हूँ। कहने का मतलब, जैसे मान लो मैं आईआईटी जेई जैसे किसी बड़े एग्जाम को प्रिपेयर कर रहा हूँ, हमारे बैच है आईआईटी जेई का, उसमें बच्चे आते हैं मेरे से, सवाल यही पूछते हैं कि सर हम आईआईटी जेई स्टूडेंट हैं, हम लोग आईआईटी एस्पिरेंट्स हैं, हमें कैसे प्लानिंग करनी चाहिए। तो सबसे पहले ये मान के चलें कि आईआईटी जेई के बच्चे को 8 घंटे सिटिंग देनी देनी है, तो सबसे पहले तो आप ये चेक कर लें कि क्या आप 8 घंटे टिका करके पढ़ सकते हो। और 8 घंटे पढ़ने का मतलब ये नहीं लगातार 8 घंटे, बट हाँ ये है कि 24 घंटे में से एक दिन में 8 आवर्स का आपका कम से कम स्टडी की सिटिंग होनी चाहिए। तो मैं आप सभी बच्चों को सबसे पहले तो यही सजेस्ट करूंगा यार कि आप पहले अपनी सिटिंग को एनालाइज करो, है ना, सबसे पहले अपनी सिटिंग को एनालाइज करो कि आप दिन में कितने घंटे बैठ करके पढ़ाई कर पा रहे हो। सबसे पहला काम तो ये करो, ये बहुत आसान है। आप लोगों को एक टाइमर रखना है जब भी आप पढ़ने में, अब मैं टिप्स देना शुरू कर रहा हूँ, और जब मैं टिप्स देता हूँ तो उसको नोट करना होता है, कॉपी पेन लेकर के बैठे होंगे, फटाफट से नोट करना शुरू करो। सबसे पहला टिप मेरा यह है कि आप जब भी पढ़ाई करें अपने सामने एक टाइमर को जो है ऑन रखें, मोबाइल में इंस्टाग्राम व्हाट्सएप को ऑफ रखें, क्योंकि अगर इंस्टाग्राम व्हाट्सएप फेसबुक ऑन रहेंगी तो डिस्ट्रैक्शन होगा। तो जब भी आप पढ़ाई करने बैठ रहे हो सारे डिस्ट्रैक्शन को साइड में करो, टाइमर को ऑन करो और उसके बाद पढ़ना शुरू करो। पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, जैसे ही आपको लगता है कि अब बोरियत होने लगी है या अब हमारा कंसंट्रेशन भंग हो रहा है, उसी वक्त उठ जाओ और टाइमर को ऑफ कर दो। फिर जरा चेक करो वो टाइम ड्यूरेशन कितना निकल करके आया। हो सकता है किसी बच्चे के लिए वो टाइम ड्यूरेशन 10 मिनट का हो कि 10 मिनट तक उसका पढ़ाई में मन लगता ही रहा, किसी बच्चे के लिए हो सकता है 20 मिनट का हो, किसी बच्चे के लिए हो सकता है 25 मिनट का हो, किसी बच्चे के लिए हो सकता है 30 मिनट का हो। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपके लिए वो टाइमिंग 10 मिनट निकल के आया, 10 मिनट बाद आप बोर हो गए, कोई बात नहीं, इट्स ओके। अगले दिन वापस से टाइमर को ऑन करो, फिर से पढ़ाई करने बैठो और इस बार मन में एक चीज लेकर के बैठो कि यार मुझे है ना इस बार 15 मिनट पढ़ाई करनी है, कल मैंने 10 मिनट की थी फुल एनर्जी के साथ में, अब मुझे 15 मिनट पढ़ाई करनी है, और 15 मिनट का टाइमर लगा करके बैठिए। ठीक है, उल्टी गिनती 15 मिनट तक आपका टाइमर चलता रहेगा, आप पढ़ते रहो, फिर वहां की आवाज जाएगी 15 मिनट बाद में, आप वहां से उठ जाओ। तो आज आपने कितना गोल अचीव कर लिया, 15 मिनट्स का। अगले दिन उसको 20 मिनट करो, फिर 25, फिर 30। इस तरह से धीरे धीरे आपको उसको 1 आवर पर लेकर के जाना है। वैसे जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन टाइम हमारे पास साइंटिस्ट लोग बताते हैं वो 45 मिनट्स के अराउंड है, तो आपको कोई भी स्लॉट 45 मिनट्स से ज्यादा का नहीं रखना है। ये मैं भी करता हूँ अपनी क्लासेस में कि जब भी मैं क्लास ले रहा हूँ मैं मेक श्योर करता हूँ कि कोई भी जो क्लास है वो 45 मिनट्स की ही रहे, उससे ज्यादा क्लास ना हो। तो इस बात पे आप विशेष ध्यान दें कि 45 मिनट्स का स्लॉट आपको लेकर के चलना है। जिस बच्चे ने 45 मिनट का स्लॉट अचीव कर लिया है उस बच्चे का टाइम टेबल सेट है। अब आपको 45 मिनट्स के 6 स्लॉट बनाने हैं जिनके अंदर आपको अपने सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग उन स्लॉट्स को डिवाइड कर देना है और आपको ये फिक्स कर लेना है कि आप किस स्लॉट में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो, फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स। एक ये पैटर्न हुआ जो अमूमन बच्चे फॉलो करते हैं। दूसरा पैटर्न ये हुआ कि कुछ बच्चों को ना टाइम लिमिट में पढ़ना पसंद ही नहीं होता। मैं खुद अपने आप में उन बच्चों में से एक हूँ जिसको टाइम लिमिट में पढ़ना पसंद नहीं है। फॉर एग्जांपल मुझे ये गधा मजदूरी लगती है कि यार 45 मिनट फिक्स कर लिए, अब उस 45 मिनट्स आपको पढ़े ही जाना है, पढ़े ही जाना है, पढ़े ही जाना है। मुझे पर्सनली ये चीज़ पसंद नहीं है, पर्सन टू पर्सन, स्टूडेंट टू स्टूडेंट ये चीज़ वैरी करती है, बट हाँ मुझे जनरली ये पसंद नहीं। मैं अपने आप में ये कंफर्टेबल रहता हूँ कि मैं टाइम लिमिट में नहीं चलूँ।
उस केस में क्या करना चाहिए, अब मैं वो बताने जा रहा हूं, ध्यान सुनिए। उस केस में आपको क्या करना चाहिए, आपको कंटेंट के हिसाब से चलना चाहिए। मैं ऐसे करता था, जैसे मान लो आज मुझे आज सर ने कितना पढ़ाया क्लास के अंदर, आईआईटी जेई नीट की जो क्लास हुई उसके अंदर सर ने कितना पढ़ाया, सर ने आज आईआईटी के अंदर इतना पढ़ाया, 5 हमको न्यूमेरिकल्स करवाए, इतनी थ्योरी पढ़ाई। अब मेरा काम यह है कि मैं उसको सबसे पहले जो है रिवाइज करूंगा, तो मैंने बैठ करके उसका रिविजन शुरू किया। मैंने अपने आप के साथ एक प्रण कर लिया, मैंने अपने आप के साथ एक वादा कर लिया कि भाई जब मैं पढ़ने बैठ रहा हूं तो फिजिक्स का पूरा रिविजन करके ही उठूंगा। तो मैंने क्या किया, फिजिक्स पढ़ना शुरू किया, मुझे इंटरेस्ट भी है, मुझे पता भी है कि मुझे इतना कंटेंट खत्म करना है, उसके बाद मेरी छुट्टी हो जाएगी। अब वो कंटेंट अगर 10 मिनट में खत्म हो गया, 10 मिनट बाद मैं फ्री हूं। अगर वो कंटेंट जो है आपका थोड़े टाइम बाद फ्री हो गया तो आप उसको आधे घंटे खींच लीजिए। अगर आप जो है उस कंटेंट को करने में आपको 1 घंटा लग रहा है, आप 1 घंटे तक पढ़िए। कहने का मतलब यह है कि कंटेंट के हिसाब से पढ़िए, आपको पढ़ना है कंटेंट के हिसाब से। अगर कंटेंट छोटा है जल्दी फ्री हो जाओगे, कंटेंट बड़ा है तो लेट तक पढ़ते रहो। इसको कहते हैं कंटेंट बेस्ड अप्रोच। पहली अप्रोच कौन सी थी, टाइम बेस्ड। उसमें आपकी हैबिट होनी चाहिए 45 मिनट्स तक लगातार बैठ के पढ़ने की, आप सब्जेक्ट्स को टाइम स्लॉट में डिवाइड कर रहे हो। दूसरा टारगेट आपका ये हो रहा है कि भाई मेरे को 1 घंटा पढ़ना पड़े, 10 घंटे पढ़ना पड़े, चाहे 5 मिनट पढ़ना पड़े, मुझे एक ही काम करना है और वो काम इतना है कि इतना कंटेंट मुझे खत्म करना है। सर ने आज डीपीपी दी है मुझे एप्लीकेशन पे, मुझे ये 5 क्वेश्चन आज करके रखने हैं, भले उस 5 क्वेश्चन में 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, 20 मिनट लगे। सेकंड वाली अप्रोच का फायदा ये है कि कभी भी लैग नहीं चलेगा। आप हमेशा सेकंड अप्रोच को अगर फॉलो करोगे तो आपका डेली का डेली जितना भी कॉन्टेंट है वो कंप्लीट होता जाएगा, आगे अगले दिन आपको परेशानी नहीं होगी। पहले वाली अप्रोच में यह है कि 45 मिनट आपने बस एक गधा मजदूरी के लिए टाइमिंग फिक्स कर रखा है कि मुझे 45 मिनट पढ़ना है। अब उसमें आप हो सकता है 2 क्वेश्चन कर पाए, 3 क्वेश्चन कर पाए, पर जैसे ही आपका टाइम खत्म हुआ आप उठ के खेलने चले गए। तो इस तरह से आपका बैकलैग चलता रहेगा, और बैकलैग चलता रहेगा तो फिर दिक्कत ये होगी कि आप लोग कभी भी अपना टाइम पे वर्क कंप्लीट नहीं कर पाओगे। समझ गए इस बात को, क्लियर है? ये स्पेशल क्लास है इंस्टाग्राम वाले बच्चों के, इसलिए मैं कहता हूँ कि जहाँ ऑडियंस कम होती है वहाँ ध्यान जल्दी जाता है। तो अभी इंस्टाग्राम पे ऑडियंस कम है, तो आप लोगों के कमेंट्स में मैं देख पा रहा हूँ, आप लोगों की बात भी मैं समझ पा रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है ना बात, जो भी मैं कह रहा हूं सब कुछ क्लियर है, एवरीथिंग इज क्लियर। जो भी बात मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूं वो आपको एकदम स्पष्ट आ रही है, कोई समस्या नहीं हो रही किसी चीज में? ठीक है, 1 सेकंड में थोड़ा सा लूंगा आप। ठीक है, अब ओके। तो मैं आपको जो सजेस्ट करना चाह रहा हूं वो ये सजेस्ट करना चाह रहा हूं कि आप लोग टाइम टेबल के पीछे भागना बंद कर दो। थोड़ा सा वॉइस हो सकता है आज इशू आ रहा हो वॉइस का, मैं एयरपॉड्स कनेक्ट नहीं कर पाया हूं प्रॉपर्ली, अभी आज काम चला रहा, नेक्स्ट क्लास में अपन कर लेंगे। आप सबसे पहली बात ध्यान रखें कि आप अपना कंटेंट ओरिएंटेड स्टडी करना शुरू कर देंगे आज से। आज आप तय कर लेंगे भाई मुझे फिजिक्स में आज सर ने इतना पढ़ाया, ये रिवाइज करके ही सोना है, कुछ भी हो जाए मुझे ये रिवाइज करके सोना है। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये कमेंट करके बताएं कि आपको ये अप्रोच समझ में आ गई ना, कि हमें कंटेंट के हिसाब से पढ़ाई करनी है, टाइम के हिसाब से पढ़ाई नहीं करनी है। मैं पर्सनली इस अप्रोच को फॉलो करता हूं, मैं चाहूंगा कि आप भी एक बार करके देखें, आपको अच्छा लगेगा। दूसरी बात यह है कि भाई अब यह सवाल आता है कि सर क्लासेस कब से कंटिन्यू होंगी, कल से मैं आ चुका हूं और अब कल से आपकी क्लासेस एज पर द शेड्यूल 9 o'clock आपको मिलने लगेंगी। तो ये पहला टिप्स था जो मैंने आपको दिया। टिप नंबर 2 पे मैं अब आता हूं कि यार कोई भी टॉपिक अगर पढ़ रहे हैं तो उसके नोट्स का क्या करें। देखो वैसे हम लोगों ने 2 टाइप के नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं आपको एप्लीकेशन में। पहला जो क्लासरूम में मैं बताता हूँ, आजकल पीपीटी वगैरह बनने लगी है, टीम हमारी बड़ी हो गई है आप सब लोगों के साथ से, तो हमारी टीम में एक बंदे का काम यही है कि जो भी मैं गाइड करूँ उसके अकॉर्डिंग पीपीटी बना करके दें, और उस पीपीटी के थ्रू हम लोग आपको क्लासेस में कंटेंट में डेफिनेशन वाला पार्ट भी दे सकें। तो सबसे पहला काम तो ये करना है कि जैसे ही आपको एप्लीकेशन के अंदर क्लास होती है, क्लास के बाद में जो आपकी पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर पीपीटी अपलोड हो जाती है जिसमें मेरे द्वारा क्लास में जो भी मार्क किया हुआ वो सब रहता है, तो सबसे पहले आप उसको एनालाइज कर लें। दूसरा काम यह है कि फिर मैंने वहां पे प्रीवियस ईयर कंटेंट में जाकर के हैंड रिटन नोट्स भी अपलोड कर रखे हैं, आप उनको भी एक बार देख लें कि यार ये टॉपिक उन नोट्स में कैसा है। उसके बाद उन दोनों को कंबाइन करके खुद के नोट्स बनाएं। वैसे हम लोग आपको पीडीएफ डाउनलोड का ऑप्शन दे सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है, बट हम लोग जान करके नहीं देते। रीजन क्या है कि उससे आप आलसी बनते हो, सीधा अगर मुंह में हलवा जाएगा तो फिर आदमी खुद बनाने की मेहनत नहीं करेगा, और आपको बनाना सीखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको अगर खुद के हाथों से लिखोगे नहीं तो याद रहेगा नहीं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग आपको डाउनलोड का ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, आपको ये करना है कि आपको क्लासरूम नोट्स को वहां से पढ़ना है,
जो प्रीवियस ईयर कंटेंट अवेलेबल है उसको आपको पढ़ना है, फिर उन दोनों कंटेंट को देख करके आपको अपने हाथों से नोट्स बना लेने हैं ताकि हमेशा के लिए आपको वो चीज़ याद रहे। और अगर आपको वो नोट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपको जरूरत नहीं महसूस हो रही खुद के बनाने की, कोई दिक्कत नहीं है, आप कंबाइन मत करो, बट जो भी वहाँ पर नोट्स लिखे हुए हैं उन नोट्स को एक बार अपने हाथों से लिख लो ताकि आपको याद हो जाए। तो डेली का डेली अगर ये काम करोगे तो आपके नोट्स भी अच्छे बनते रहेंगे और आपको एप्लीकेशन के अंदर कोर्स परचेज करने का ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। आज मैं किसी बच्चे को लाइव क्लास जो चल रहा है लाइव स्ट्रीम उसमें ऐड नहीं करूंगा, अपने साथ में किसी के साथ भी वीडियो शेयर करके बातचीत हम लोग नहीं करेंगे, आज वन वे ट्रैफिक चलेगा, जो भी मैं कहूंगा वो आपको सुनना है, किसी और दिन ऐसा करेंगे, ठीक है? तो आप लोग रिक्वेस्ट ना भेजें, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा मैं। चलिए आगे बात करते हैं, ये चीज़ समझ में आ गई सबको, तो ये आपने कर लिया। अब आपने क्या किया, क्लास को पूरा रिवाइज कर लिया अपने हाथ से, जो एप्लीकेशन में सुंदर से नोट्स है बिल्कुल वैसे नोट्स बनाओ ना, हमने एप्लीकेशन में इतनी मेहनत क्यों करी है आप लोगों के लिए, इतने सुंदर नोट्स क्यों बना रखे हैं ताकि जब आप उनको कॉपी करो अपने हाथ से तो आप भी अलग अलग पेनों से बनाओ, तीन चार कलर के पेन रखो उनसे बढ़िया नोट्स बनाओ। ध्यान रखना ये बात, जो चीज़ जितनी सुंदर होती है उस पर ध्यान उतना ही देर तक जाता है और उसको बार बार देखने का मन करता है, ये ऑटोमेटिकली आपको हमेशा हर चीज़ में देखने को मिलेगा। तो इसी रीज़न से आपके नोट्स जितने सुंदर होंगे, आपकी पढ़ाई जितनी अच्छी तरीके से आप लिखोगे जो आपने पढ़ा है, आपको उतना ही बार बार रिवाइज करने का मन करेगा। वैसे मैं तो ऐसा करता था, जैसे मान लीजिए आपको कोई ऐसा टॉपिक मिला, ऐसा कोई पॉइंट मिला जो बहुत खास है, उसको आपने रेड पेन से लिख के रख लिया कि भाई जब रिविजन करने आएंगे वापस तो रेड पेन से जो लिख रखा है उसको सबसे पहले पढ़ेंगे, है ना? बात सही है ना? इस तरह से आपको जो है नोट्स बनाने, जितना सुंदर क्लास में आप एक्टिव रहोगे उतना बेहतर क्लास समझ में आएगी, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, अपना कंटेंट बेस्ड टारगेट लेकर के चलो कि आज मुझे एक काम करना है कि इतना सेक्शन पढ़ के ही सोना है। तीसरा, जो भी पढ़ रहे हो उसके सुंदर से नोट्स बनाओ, सुंदर होना चाहिए, बहुत सुंदर होना चाहिए। कोई बात नहीं, हमने एप्लीकेशन पे आपके लिए नोट्स डाल रखे हैं, वहां से देखिए, कॉपी कर लो एज इट इज, बट करो अपने हाथों से। चौथी चीज आपको क्या करनी है, ये सब कंप्लीट हो गया, इसके बाद आपको जो टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन या डीपीपी एप्लीकेशन के अंदर मिली है उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। डीपीपी डेली नहीं मिल पाती है, कभी कभी मिलती है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने ये सब कर लिया है तो एक बार रिविजन करके रख लो उस चीज का। और एक मस्ट चीज, पूजा ने एक सवाल पूछा है कि न्यूमेरिकल, उस पर अभी आऊंगा मैं, पहले ये कंप्लीट कर लेता हूँ पॉइंट। तो आपने सेकंड पॉइंट क्या याद रखा, अच्छे से नोट्स बनाने हैं, कलरफुल नोट्स बनाने हैं, बात खत्म। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, न्यूमेरिकल्स के लिए क्या करें। देखो वो कहते हैं ना कि जब आप कुकिंग का छोटा मोटा पार्ट सीखते हो, कुकिंग का छोटा मोटा पार्ट मतलब जैसे पहले आपने रोटी बनाना सीख रहे हो तो उसके लिए आपको आटा गूंदना सीखना पड़ेगा, उसके बाद आपको बेलना आना चाहिए, फिर आप सेकना सीखोगे, और जब बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो आपकी रोटी फूलेगी भी और आपको अच्छा भी लगेगा, और धीरे धीरे जब बेसिक स्टेप्स पूरे होंगे तब जाकर के आप रोटी बनाने की जगह बाटी बनाने पे या किसी और चीज पे आओगे। ठीक बात है ना? जैसे कुकिंग में ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि आप एकदम से दाल बाटी नहीं बना सकते, आप एकदम से पाव भाजी नहीं बना सकते, आपको बेसिक लेवल पे जो है कुकिंग आनी चाहिए। बिल्कुल वैसे ही न्यूमेरिकल्स में है, एकदम अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होंगे। न्यूमेरिकल्स का सबसे पहला स्टेप है जो थ्योरी पढ़ाई है उसका कॉन्सेप्ट एक नंबर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा, उस पूरी थ्योरी के अंदर जो आपने पढ़ी है ना उसके अंदर जितने भी फॉर्मूले वाले पार्ट हैं जो मैंने लिखा है, मैं क्या करता हूँ अपनी क्लास में लिखता हूँ पॉइंट टू रिमेंबर, जो भी पॉइंट आपको हमेशा के लिए याद रखने हैं उसके लिए अपन क्या लिखते हैं पॉइंट टू रिमेंबर। तो जो पॉइंट टू रिमेंबर है, जो आपका पीटीआर है, उसको आप लेके चलेंगे और जब भी न्यूमेरिकल करने बैठ रहे हैं, भले ही आप न्यूमेरिकल को कर चुके हैं या आपको आते हैं उससे मतलब नहीं है, जब भी आप किसी टॉपिक के न्यूमेरिकल करने बैठ रहे हो पीटीआर वाले जितने भी पॉइंट्स हैं, पॉइंट टू रिमेंबर के जितने भी नोट्स हैं वो सारे आपको रिवाइज करने हैं। और पॉइंट टू रिमेंबर अगर आप रेड पेन से लिख रहे हो, आपको आज मोलरता के प्रश्न करने हैं, सर ने कहा था मोलरता का फॉर्मूला ये होता है, इसको एक बार रिवाइज कर लिया, इसके अंदर ये यूनिट्स होती हैं, खट 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 रिविजन किया, अब आप क्वेश्चन करने बैठो। और जब क्वेश्चन करने बैठ रहे हो तो आलस नहीं करना है, फॉर्मूले को पूरा लिखना है। मैंने अभी सांद्रता के पदों के क्वेश्चंस कराए थे विलियन नाम के चैप्टर में क्लास 12th को, बहुत मजा आया था बच्चों को, बहुत ही मजा आया था। 500 से ऊपर बच्चे लाइव क्लास में बैठे थे, दो ढाई घंटे क्लास चली थी, एक भी बच्चा उठ के नहीं गया था। रीजन क्या है उसके पीछे, क्योंकि हमारी लाइव क्लास में हम लोग एक एक क्वेश्चन को प्रॉपर पोस्टमार्टम करके पढ़ाते हैं, आप लोग सब जानते हो इस बात को अच्छे से, तो वही आपको करना है। जैसे जब क्वेश्चन को मैं करवा रहा हूं, एक एक फॉर्मूले को बार बार लिख रहा हूं, आपको भी जब करना है तो एक एक फॉर्मूले को बार बार लिखना है। आ गई बात समझ में? ये तरीका है न्यूमेरिकल्स को करने का। न्यूमेरिकल्स बेटा एकदम नहीं आएंगे, जब पहली बार आप कोई भी डिश बनाते हो वो खराब भी हो सकती है, हो सकता है बाटी टाइट हो जाए या बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाए या बने ही नहीं, बिल्कुल वैसे ही जब न्यूमेरिकल्स करते हो तो हो सकता है नहीं आए न्यूमेरिकल्स, कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं हारनी है, बार बार ट्राई करते रहना है, तब जाकर के न्यूमेरिकल्स आएंगे।
और कहते हैं ना कि हर चीज का एक चैलेंजिंग पार्ट होता है, उसको करने के बाद आप उसके मास्टर बनते हो। सही, बिल्कुल वैसे ही पढ़ाई के अंदर, साइंस के अंदर न्यूमेरिकल्स वो पार्ट है। तो जिसको न्यूमेरिकल से एक बार इश्क हो जाएगा ना, फिर वो कभी उसके साथ नहीं छोड़ सकता। इतने खूबसूरत होते हैं न्यूमेरिकल्स। बट हाँ, उसके स्टेप्स हैं, अगर थ्योरी ठीक से नहीं पढ़ोगे, रिविजन ठीक से नहीं करोगे, न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे। डेरिवेशन मैं आपको 10 बार करवा के याद करवा सकता हूँ, थ्योरी मैं आपको 10 बार बोल के याद करवा सकता हूँ, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस से ही आएगा और प्रैक्टिस आप ही को करनी पड़ेगी। ठीक है बात। पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्या करें? देखो, पढ़ाई में मन तब लगेगा जब इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट तब आएगा जब लाइव क्लासेस जितनी भी हो रही हैं उनके अंदर आप रेगुलरली आकर के कमेंट करोगे। अकेले थोड़ी हो यार आप, आपके साथ 500 बच्चे पढ़ रहे हैं, 500 बच्चे पढ़ रहे हैं आपके साथ में, तो उनके साथ बैठ करके अगर आप डेली के डेली जो है कमेंट कर रहे हो, डेली उनके साथ इन्वॉल्व हो रहे हो, तो मजा आता है। और जब मजा आने लगेगा ना, तो मजा आने के बाद में पढ़ाई में मन लगने लगेगा। तो पहले मजा फिर मन, वो वाली बात है। तो मजा कैसे आएगा, उसके 3 सिंपल स्टेप्स है। स्टेप नंबर 1, जब भी लाइव क्लास हो रही है तुरंत लाइव क्लास में आकर के कमेंट करना है। स्टेप नंबर 2, जब भी कोई नया चैप्टर शुरू हो रहा है तो कोशिश करनी है कि अगर आपका कोई बैकलैग है तो आप खत्म कर लो और नए चैप्टर से साथ में जुड़ जाओ, ताकि जब नया चैप्टर चलेगा लाइव क्लास में आप पढ़ोगे, समझ में भी अच्छा आएगा और कंटिन्यूटी बनी रहेगी। क्योंकि अधिकतर बच्चों के साथ ये होता है, 2-3 दिन छुट्टी कर लेते हैं, बैकलैग हो जाता है, बैकलैग होने के बाद में जब क्लास में आते हैं समझ में नहीं आता है, फिर लाइव क्लास का रूटीन ब्रेक हो जाता है, फिर रिकॉर्डिंग के पीछे भागते रहते हैं। और रिकॉर्डिंग देखना हमेशा एक बोरिंग काम है, क्योंकि वो आपको अकेले करना है। लाइव क्लास अटेंड करना एक इंटरेस्टिंग काम है, क्योंकि वो आपको सबके साथ करना है। इसलिए मैं कहूँगा कि जितने भी बच्चे कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम से परेशान हैं, जितने भी बच्चे मन नहीं लगने की समस्या से जूझ रहे हैं, उनको एक ही काम करना है, लाइव क्लास में अटेंड करने की जिज्ञासा रखनी है, हिम्मत रखनी है और एक कंसिस्टेंसी बना के चलनी है कि मुझे लाइव क्लास में आना ही आना है। इतना कर लोगे उसके बाद आलस अपने आप भाग जाएगा, मजा आने लगेगा। और जिसको फिजिक्स वीक है, उसको मक्खन करने का एक ही तरीका है, अभी फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, अभी कल या परसों से सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा, आपको एक ही काम करना है। जब चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आपको पहली क्लास में सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आप फर्स्ट क्लास में सबसे ज़्यादा ध्यान दोगे तो अगली क्लासेस आपको ऑटोमेटिकली अच्छी लगने लगेंगी। ठीक है, तो मैं आज 3 टॉपिक्स के बारे में बात किया। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। सबसे पहले मैंने आपको ये बता दिया कि टाइम टेबल आप 2 तरह से सेट कर सकते हो, टाइम स्लॉट लेके चल लो या फिर कंटेंट के हिसाब से चल लो। दूसरा, नोट्स खूबसूरत बनाओ, उसमें पॉइंट टू रिमेंबर ये सब अलग अलग पेन से लिखो। न्यूमेरिकल्स करने के लिए फॉर्मूलों पर ध्यान दो और पॉइंट टू रिमेंबर्स को हर बार रिवाइज करके फिर न्यूमेरिकल्स पे आओ, आपको मजा आएगा। चौथा, मन लगने वाली बात के लिए है कि लाइव क्लास रेगुलरली अटेंड करो। जब सबके साथ कोई काम करते हैं तो हिम्मत रहती है और अच्छे से पढ़ाई हो पाती है। तो ये 4 पॉइंट मैंने अच्छे से डिस्कस की, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत मजा आया होगा। एक बात का विशेष आप ध्यान रखें कि आप लोग जितने भी बच्चे हैं आप शेयर करते रहें, इंस्टाग्राम हैंडल को शेयर कर सकते हैं, आप यूट्यूब चैनल को शेयर कर सकते हैं। कल से हम लोग वापस से 9 बजे सुबह मिलेंगे, तो आपको पूरी एनर्जी के साथ में आना है। अगर आपको ये इंस्टाग्राम लाइव अच्छा लगा है तो आपको आते रहना है और अपना प्यार देते रहना है। इसी तरह के लाइव सेशंस पे डिस्कशंस होते रहेंगे, हम लोग टॉपिक्स के बारे में बात करते रहेंगे, नए नए टॉपिक्स लेते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी काफ़ी बच्चे और भी हैं ऐसे जो जुड़ना चाह रहे हैं साथ में, उनके साथ हम लोग जो है अगला एक शेड्यूल रखेंगे इस टाइप का, इसमें आप लोगों के साथ भी इंटरेक्शन हमारा रहेगा। चलिए, बाय बाय, जय हिंद, ध्यान रखिए अपना, मस्त रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मिलते रहेंगे इसी प्रकार इस तरह की लाइव स्ट्रीम्स में। जय हिंद।